श्रीमद् भगवद गीता एक मित्र का दूसरे मित्र से संवाद है। इसमें श्री कृष्ण ने उन उपदेशों का वर्णन किया है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही ढंग बताता है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान का पतन कब शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देते हैं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितनी भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। कर्मों की चपेट से कौन बचा है, जिसने जैसा करा उसने वैसा भरा है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ न मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद दोस्तों। बोलो जय श्री कृष्ण।